जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं मनोज सिंह, 15 जनवरी का जो पेपर हुआ है उससे पहले कम से कम मैंने 10 वीडियो डाला था कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा। दोस्तों बात वही सच हुआ, जो मैंने पढ़ाया था वही आया मेरे एकेडमी के अंदर। एक महीना पहले से ये बैच चल रहा था और ये दो दो बार तीन तीन बार पेपर रिवाइज होने के बाद 50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन हीट हुआ है और मैं ये सारे क्वेश्चन आपको पैनल के ऊपर हल कराकर दिखाऊंगा। और इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि लड़कों को विश्वास होना चाहिए कि जब मनोज सर पहले ये बोलते थे वो बोलते थे, उसके बाद 15 जनवरी का पेपर हो गया और कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों मैं तब भी बोलता था और अब भी बोल रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर वाराणसी डिफेंस एकेडमी का पेपर सेट और वाराणसी डिफेंस एकेडमी का अगर टीचर अगर कोई है तो पूरे नंबर वन पे चढ़कर बोलेगा 48। 12-12 14-14 साल की एकेडमियां है, अभी भी राग गा रहे हैं, 42 क्वेश्चन फंसाए, 43 क्वेश्चन फंसाए, क्या फंसाए, कुछ भी नहीं फंसा रहे हो। 3-3 साल की एकेडमियां 48-47 क्वेश्चन पे लेकर गई और आप 12-12 साल से 14-14 साल से एकेडमी चला रहे हैं, 42 क्वेश्चन पे डाल रहे हैं। नो डाउट पूर्वांचल के अंदर, बनारस के अंदर जो मैंने ठोक कर बोला था कि मेरे सेट से आएगा और आएगा, अब मैं जो चीज दूंगा विद प्रूफ दूंगा, पैनल के ऊपर दूंगा, आंसर की दूंगा। और ये देखिए इस तरीके का, ये देखिए मैं प्रूफ के लिए टोटल जितने मेरे आंसर की है, ये देखिए टोटल आंसर की मैं ले जा रहा हूँ पैनल के ऊपर। ये देखिए GD01 से लेके सारा चीज दिया गया है और जो एग्जाम में आया है उसको मैं यहां से दिखाऊंगा कि ये देखिए GD01 से ये है, इससे ये है, ताकि आपको अब मानना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बकवासबाजी से काम नहीं चलेगा, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, ये डेफिनेटली सही है। और रिटेन एग्जाम में 200-250 का जो मेरा बेस्ट था टॉप वन पे एकदम गया हुआ है। थोड़ा सा वीडियो इसलिए लेट हो गया कि मुझे कम से कम 2 और 3 यारों का पेपर एनालिसिस करना था, उसको लिखना था, वेरीफाई करना था और इस स्टेज तक, क्योंकि मैं यूट्यूबर से नहीं लूंगा, मैं अपना खुद का लड़कों से जो नॉलेज मिला है, 2-3 जगहों से मिला है, एकेडमियों से मिला, सारा जो कॉम्बिनेशन करके जो हमने सेट देखा है वो A to Z वही का वही आया। दोस्तों एक बार फिर वाराणसी डिफेंस एकेडमी 2019 की तरह 2023 में भी पेपर सेट का, क्वेश्चन सेट का फिर एक बार डंका बजाया है। और दोस्तों 1-2 कमेंट ऐसे भी आएंगे कि नहीं सर, पेपर सेट में जो आप 48 क्वेश्चन बता रहे हैं वो नहीं आया, लाजमी है आप ये बात बोलोगे। और मैं बता रहा हूं आप वो लड़के होगे जो यहाँ पे 15 नंबर सेट से, 8 नंबर सेट से और 22 नंबर सेट से आप एडमिशन लिए होंगे, 6-8 और 10 सेट पढ़ेंगे, तो बैकअप वाला जो सेट आपके पास गया ही नहीं है, जब बैकअप वाला सेट आपके पास गया नहीं तो आप इस तरीके क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन जिस लड़के ने यहाँ पे टोटल सेट का पूरा क्यूरी पढ़ लिया है वो ये क्वेश्चन नहीं उठाएगा और यस बोलेगा, यस वीडियो इज द बेस्ट, उन्होंने दिया है तो दिया है। और पूरा एनालिसिस करना है तो 1 नंबर से लेके 32 नंबर के सेट को पूरा एनालिसिस कीजिए, A to Z क्वेश्चन। मैथ के अंदर थोड़ा सा फर्क ये पड़ गया है कि अगर मैंने पढ़ाया था कि 5 है तो वहां 7 लिखकर आएगा और वैल्यू बदलेगा, राम की जगह श्याम बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेगा। दोस्तों सेम टू सेम वही हुआ है और मैं जो एकदम छाती ठोकर बोलता था कि मैं फंसाऊंगा, पूरे उत्तर प्रदेश को चैलेंज करूंगा, आज मैंने किया है। मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं, इसके बाद मैं LED पैनल के ऊपर आपको वीडियो देने जा रहा हूं और प्रूव करके दूंगा कि नहीं है तो यस। जय हिंद जय भारत।